कल के लेक्चर में क्या बताए थे, कल क्या खत्म किए थे, कौन बताएगा? बताइए आप लोग में से कोई भी रफली, एकदम ये मत सोचिए एकदम स्मार्ट आंसर, नहीं रफली की सर याद है हमको ये सब चीज बताए थे, नोट्स देंगे तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम एकदम अच्छा आंसर नहीं मांग रहे हैं, बस क्या पढ़ाए थे वो बता रहे हैं। बताइए कौन बताएंगे आप लोगों में से? सर कंडीशन बताया वॉइड डबल का क्या कंडीशन, वैलिड का क्या कंडीशन होता है, वॉइड का क्या कंडीशन होता है, उसके बाद लीगल ऑब्लिगेशन। हाँ नहीं तो हम थीम बताया, इससे पहला हम लोग जो खत्म किए हैं अभी पहला क्वेश्चन तो बताया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। नहीं यस सर, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है तो हम बताए थे, इसका समरी कर देते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक एग्रीमेंट होता है जो कि इनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, नहीं इनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसका कानून के द्वारा इनफोर्सेबल हो, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ अगर हो तो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। समरी उसका वही निकला था और बताए थे इनफोर्सेबल बाय लॉ तभी होगा जब आपका एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड होगा, जब आपका एग्रीमेंट वैलिड वैलिड होगा। और फिर बताया था वैलिड होने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं जैसे पार्टीज के बीच फ्री कंसेंट्स का होना, नहीं फ्री कंसेंट हो, हाँ उसके बाद वो माइनर नहीं हो, पागल उगल नहीं हो, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज बताए थे, याद आ रहा है? फिर बताया था क्या जो दोनों का जो थीम है दोनों बराबर होना चाहिए, थीम एक चीज होना चाहिए, इस तरह का बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किए थे, याद आ रहा है कि नहीं? सब याद आ रहा है, 8 पॉइंट्स कवर किए थे। और लास्ट में बताए थे आपको हम अदर फॉर्मेलिटीज, मतलब स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, गवाह होना चाहिए, मतलब जो भी मतलब गवर्नमेंट का जो रूल है वो रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर हम इसमें से कुछ भी एक कंडीशंस को फुलफिल अगर नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा जो एग्रीमेंट वॉइड हो क्या हो जाएगा, जाएगा, वॉइड। वैलिड नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। पक्का? यस बहुत सारा बताया ना, जो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन सफिशियंट होना चाहिए, बहुत सारा पॉइंट बताए थे। तो मतलब यही था, क्या सर, बताए थे यही बताए सर कि ये 10, 11, 11, 12 ऐसे नहीं होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। थे? अरे तो वही सब तो लिखे हैं, ये सब जो है ना लिखे हैं कि सेम चीज पे राजी होना चाहिए, मतलब एक एक माइंडसेट होना चाहिए। नहीं वही सब बहुत सारा पॉइंट वहां पर रिवीजन करवा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, तो मतलब इतने बताए थे ना, तो मतलब कि सिंपल कल बताए थे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक वैलिड एग्रीमेंट का होना जरूरी है और वैलिड एग्रीमेंट होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, तो ये सब होना जरूरी है, फ्री कंसेंट, ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स बताए थे, इतने बताए थे ना क्या सुबी? यस सर, यस सर, आपको ना इतना वर्ड्स रहेगा तो आप लोग 4 पन्ना भर देंगे। यस सर, तो आप लोग करना क्या है, बस इतना ही नोट कर लेना है, समरी नोट्स करना है तो हम ही समरी नोट्स करके दे देंगे। ऐसे तो बोल्ड पॉइंट में है तो आप खुद समझ जाएगा कि समरी है, जितने भी बोल्ड पॉइंट्स होते हैं उसको खाली वो एक जगह नोट कर लीजिए, बाकी बना बना के लिखना है आपको। तो गारंटी बोलते हैं 20 नंबर और 16 नंबर कोई भी देगा, पॉइंट बाय पॉइंट बात कर रहे हैं। अब फ्री कंसेंट लिखने के बाद आप थोड़ा सा इतना 10-12 लाइन अपने मन से लिख दीजिए, क्या होता है फ्री कंसेंट, नहीं क्या होता है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज, क्या होता है लॉफुल कंसिडरेशन, नहीं क्या होता है अदर्स रूल, बना बना के लिखना शुरू कर दीजिए। गलत के सही, तो उससे एक एक क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस आया। एक्चुअली चैप्टर को हम क्वेश्चंस के रूप में पढ़ा रहे हैं ताकि समझ में अच्छे से आए, कोई दिक्कत? तो हम लोग नो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए, व्हाट इज एग्रीमेंट पढ़ लिए, व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए, एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए, आज दूसरा क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत? किशोर आपका पहला दिन है, किशोर सर, क्यों इतना लेट क्यों कर दिए? अच्छा प्रवेश दोस्त लोगों का, नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन है बोलता है कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कीजिए, वो मीनिंग था, मीनिंग और डिफिनेशन में अंतर होता है, समझे आप? कल बताए थे मीनिंग, आज पता क्या बता रहे हैं, आज डिफिनेशंस, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कीजिए तथा इसको क्लासिफाई कीजिए, मतलब ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशंस क्या होगा और इसको क्लासिफाई करेंगे, मतलब कितने तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आज पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई नो सर, बोलता है कॉन्ट्रैक्ट के डिफिनेशंस को
एक मिनट, दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, एक जज के द्वारा दी गई डिफिनेशंस और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा दी गई डिफिनेशंस। कुछ जज ने अपने लैंग्वेज में डिफाइन किया है कॉन्ट्रैक्ट को और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने भी डिफाइन किया है कॉन्ट्रैक्ट को, तो दोनों का डिफिनेशन अलग अलग है। हम भी अपने शब्द में एक डिफिनेशन दे सकते हैं, डिफिनेशन एज पर कुंदन गुप्ता एक लाइन हम भी लिख देंगे तो डिफिनेशन हो जाएगा। गलत की सही, डिफिनेशन क्या है? लोगों के द्वारा बोला गया सेंटेंस। पक्का अब समझ रहे हैं आप? यस सर। जैसे गाली बोलता है क्या है? गरियाना नहीं बोलता, गाली बोलता है जब हम बहुत गुस्से में, हमारे जब हाई ब्लड प्रेशर में मुंह से निकली हुई वाणी गाली कहलाती है। नहीं, ये डिफिनेशन हो गया। सभी डिफिनेशन क्या होता है? कोई आदमी उसको अच्छे तरीके से बोल दे तो डिफिनेशन, मतलब अच्छे से डिफाइन करना डिफिनेशन कहलाता है। तो जज ने अलग डिफाइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने अलग डिफाइन किया है। देखिए सबका अलग अलग डिफिनेशन है। जज के द्वारा दी गई डिफिनेशन, अलग अलग जज ने कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन इस प्रकार दिया है। बोलता है, जज लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है, सब कल वाला ही आएगा, वही चीज है, थोड़ा चेंज हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो पार्टीज के बीच ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है और उनको डिस्क्राइब करता है। पक्का? जब हम एग्रीमेंट करते हैं तो दो पार्टी के बीच क्या करता है? ऑब्लिगेशन। किस तरह का ऑब्लिगेशन? कौन बताएगा? लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन। किसका आवाज था ये? प्रीति। प्रीति, लिस्ट में आपका नाम नहीं आ रहा, हम दो तीन बार अच्छा आया लिस्ट, उसमें सोच रहे कि आज ऑनलाइन नहीं है, आवाज दो तीन बार सुने आपका। किस तरह का ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है? लीगल। किस तरह का ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होना चाहिए ये बताइए? इललीगल। नहीं, डोमेस्टिक और सोशल। हाँ, डोमेस्टिक और सोशल। सोशल और डोमेस्टिक, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। कल सब सब टॉपिक वही आएगा, मतलब ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है तो यहाँ पर ये चीज हिडन है। किस तरह का ऑब्लिगेशन आएगा? तो लीगल ऑब्लिगेशन, सोशल और डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन नहीं आना चाहिए। पक्का? तो वो लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का एग्रीमेंट है जो पार्टीज के बीच लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, मतलब कानून का सहारा एक दूसरे पे ले सकता है। पक्का? लीगली ऑब्लिगाइज्ड हो गया, मतलब कुछ भी कीजिए हम कानून के पास सहारा ले लेंगे, उसी को उसको उसको डिस्क्राइब करता है क्या क्या कर सकते हैं। पक्का? यही आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। कोई दिक्कत? एकदम साफ समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो पार्टीज के बीच लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है और उसको डिस्क्राइब करता है। कम शब्दों में सब कुछ आ गया, लेकिन ये तब समझ में आ रहा है जब आप समझ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नहीं तो समझ में आता क्या? लगता है एक लाइन समझ में आएगा ये चीज? नो सर। लेकिन आज समझ में आ रहा है डिफिनेशंस, क्योंकि आप चीजों को समझ रहे हैं तब। चलिए आगे ध्यान दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा दी गई डिफिनेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार क्या बोलता है? एक एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। नहीं, हम जो सबसे पहले हम लोग इसी शुरुआत किए थे, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है। एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल कराया जा सकता है वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। डिफिनेशन इजी है। इसमें दो मुख्य बातें हैं, पहला पार्टीज में एग्रीमेंट का होना और दूसरा एग्रीमेंट का लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होना। क्लियर है? ये भी याद हो गया, एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल हो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इसमें दो चीजों का होना जरूरी है, एक एग्रीमेंट और दूसरा इन्फोर्सेबल बाय लॉ। पहले भी आ चुका है ये चीज, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ ना, करते रहिए, अच्छा लगता है थोड़ा सा हमको भी। उपयुक्त सभी डिफिनेशंस के अध्ययन से निम्न बातें क्लियर होती है। पहला, पार्टीज के बीच एग्रीमेंट होना। दूसरा, पार्टीज के बीच एग्रीमेंट से लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना। तीसरा, ऑब्लिगेशन का लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होना। अतः यह एक्सप्रेस हो जाता है कि ओनली यानी सिर्फ वही एग्रीमेंट जो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तथा लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। कुछ कंडीशंस का मतलब क्या? कुछ कंडीशंस का मतलब क्या? एक वैलिड एग्रीमेंट के लिए जो कंडीशन, जो कल हम लोग पढ़े थे, जो नौ नियम पढ़े थे, वही कंडीशंस थे कि एग्रीमेंट्स कहलाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। रिटेन में होना चाहिए, माइनर के द्वारा नहीं होना चाहिए, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर प्री कंसेंट, यही सब वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा तो कि नहीं? अगला क्वेश्चन भी समझ में हमको आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? साफ समझ में आ रहा है? तो नया बचाया होगा उससे पूछो, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, खाली पढ़ रहा होगा इसे करके कुछ जी नहीं। क्या किशोर, गलत क्या? सही सही है सर। पूछे जो दो तीन दिन से क्लास कर रहा है उसको कितना अच्छा लग रहा होगा? उसको लग रहा होगा सर पूरा किस तरह पिक्चराइज हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं क्या सर,
क्या हो गया? पहला मैं तो थोड़ा अजीब लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है अच्छे से। होगा, दिक्कत होगा, हम क्या कर सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं लेकिन क्या करें, नहीं समझे क्या करें बताइए। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आज रात तक, कल तक का वीडियो मिल जाएगा, दो लेक्चर गया ना आप लोगों का। यस सर, लेक्चर का मिल जाएगा। अच्छा हमको लगता है, पता है, ऑफलाइन से ज्यादा मजा आ रहा है ऑनलाइन में, गलत नहीं, हम भी एकदम रिलैक्स में हैं, एकदम शांत से बैठे हैं, आप लोग भी अपने अपने घरों में हैं, और हमको लगता है कि नहीं इतना प्यार से हम ऑफलाइन में नहीं पढ़ाते हैं, गलत के सही? सही है सर। अभी अभी ज्यादा अच्छे से बता रहे हैं, नहीं रिलैक्स में एकदम अच्छा लग रहा है, हम भी घर में बैठे हैं शांति से, एकदम चाय वाय चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या रिलैक्स महसूस करते हैं। वहां पे सबसे बड़ा हेडेक क्या होता है पता है, जो फुल पैंट शर्ट इन करके पहनना पड़ता है जूता ना, तो थोड़ा सा हेडेक हो जाता है, नहीं समझे? फ्री होते हैं एकदम फ्रीली पहनने का मन करता है, और जूता पहनते हैं तो लॉ का लैंग्वेज मत कीजिए, नॉर्मल तरीके से समझिए, तो सेंस पूरा उल्टा हो जाएगा, नहीं समझे? कचकच करता है ना मन, गलत की सही? अब शादी ब्याह में जाइएगा, देखिएगा बहुत अनईजी लगता रहता है, घर आके कितना रिलैक्स लगता है, गलत की सही? प्रिंस सही है सर, बोलता है सर हम तो शादियों में बराती में चप्पल पहन के जाते हैं, इसके लिए पता नहीं चलता आते हैं, तो ये अलग केस हो गया। जूता पहन के तब समझ में आया कितना रिलैक्स लगता है जूता खुलने के बाद, नहीं किशोर? आगे बढ़े। अच्छा तो किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है ना, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो सर निजी लग रहा है, सर नहीं सेटिस्फेक्शन लग रहा है सर, ऐसा नहीं सर ऑफलाइन होगा तभी होंगे, किसके किसके मन में ऐसा लग रहा है? किसी के मन में नहीं। अच्छा लॉ की नजर में पता है कि नहीं, लॉ यहाँ पे एक लॉ अप्लाई होता है जिसको हम लोग मुहावरा में बोलते हैं क्या, साइलेंस इज द हाफ कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं बोलता है, फ्री कंसेंट का मतलब क्या, मर्जी, मतलब हमने अपने मर्जी से इजाजत दिया है, फ्री कंसेंट, नहीं समझ में आ रहा है? तो हम लोग इंग्लिश में क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, साइलेंस इज द हाफ कंसेंट, इसका मतलब क्या होता है पता है, चुप मतलब आधी मर्जी, अगर हमने पूछा और कोई जवाब नहीं दिया इसका मतलब आप लोग राजी हैं, गलत की सही? अभी हम बोलेंगे सब लोग मने मने हमको करिए आ रहा होगा, तो आप चुप लगा दीजिएगा, बोलेगा नहीं सर, बहुत लोग नहीं बोल रहा, सब मने मने करिए आ रहा है। रीति नेहा आप लोग कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब क्या समझे? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अभी आप लोग अगर नहीं बोलते हैं तो ऐसा मानते हैं कि आप लोग एक्सेप्टेड होता है, एक्सेप्टेड माना जाता है पक्का, अगर आप लोग कुछ नहीं बोले इसका मतलब क्या वो चीज माना जाता है लॉ के नजर में, एक्सेप्टेड माना जाता है, ये आगे टॉपिक में आ सकता है, जैसे हम लोगों ने पूरे बैच में बोला कि सैटरडे को क्लास बंद रहेगा, अगर किसी ने अपोज नहीं किया इसका मतलब सबने एक्सेप्ट कर लिया कि बंद रहेगा पक्का, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो खुद बोलेगा नहीं सर कल क्यों बंद कर रहे हैं, हमारा सिलेबस पीछे चल रहा है पक्का, अगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया इसका मतलब ऑलरेडी क्या माना जाएगा, हमने जो आपको ऑफर दिया आपने एक्सेप्ट कर लिया, हमने आपको एक चादर दिया, चादर बेचते हैं, हमने आपको चादर दिया, बोले 1000 रुपए दे देना और आप लेके रख लिए, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या माना गया, एक्सेप्टेड माना गया, तो कानून की नजर में ये सब लॉ है कि आपने कुछ नहीं बोला, इसीलिए साइलेंट इज द हाफ कंसेंट, मतलब चुप रह रहे इसका मतलब आप अग्री हैं, अभी लॉ पढ़ा रहे तो लॉ का भाषा में बोलेंगे, अकाउंट के भाषा में रहता था अकाउंट के भाषा में बोलते हैं, अभी सबको लॉ से रिलेट कर देंगे, नहीं हम भी कानूनी आदमी बने हुए हैं अभी, गलत की सही? हम कानून के आदमी हैं पक्का। यस सर। डिफिनेशन में हम देखें क्या जज ने डिफिनेशन क्या दिया, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि दो पार्टीज के बीच लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है और उसको डिस्क्राइब करता है पक्का, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्या आपको डिफिनेशन दिया, बोला ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इनफोर्सेबल हो, एग्रीमेंट कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, गलत की सही? तो इसमें दो पार्टीज का होना, एग्रीमेंट का होना, रिटेन में होना, एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना, ये सब बातें आती है, तो यहाँ तक हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा और याद करने का कोई टेंशन होगा, गलत की सही? सही है सही है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन, तो कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह से क्लासिफाई किया सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लगभग पढ़ा चुके हैं इतना ना, हम एग्जांपल दिए सब रिलेटेड होता है, जब लॉ चीजों को समझ जाएगा तो बड़ा मजा आएगा, समझ रहे हैं?
हमको तो कभी कभी लॉयर बनना चाहिए साला, डिस्कस करने उतरते तो बड़ी मजा आता है, एग्जांपल दे क्लियर करते सामने वाला, बोले पहले कहानी सुनिए, पहले बताइए, आप ही बताइए गलत है सही। हमको लॉयर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यस सर, आप बहुत अच्छे लॉयर बनते। बिल्कुल, हमको भी लगता है कभी कभी लॉयर बनना चाहिए, लेकिन क्या बोले, जब सीए करवा दिया, बोला सीए बन सकता है, फिर टीचर बन सकता है, कोई लोग तो बोलता है सर आपको एक्टिंग में जाना चाहिए, एक्टिंग अच्छा करते हैं, आप सब डिसाइड करें लॉयर बने के एक्टर, नहीं समझे क्या बने, लॉयर बने कि एक्टर बने, टीचिंग छोड़ेंगे अब सर, दोनों काम आप कर रहे हैं सर, दोनों बेस्ट तरीके से। कौन ये कौन बोल रहे हैं? अनुभव सर। अनुभव क्या बताइए, तो अगला ऑप्शन क्या है, हम लॉयर बने कि एक्टर बने? बहुत बहुत सर नहीं था कभी कभी एक्टिंग करते, बोलते सर एक्टिंग अच्छा करते हैं आप। नहीं नहीं सर, आप सीए करके अगर लॉयर, सीए का भी काम करते और उसके साथ साथ लॉयर भी सर, बढ़िया से एक्सपीरियंस हो गया ना सर इतना दिन से। बताएं कि लॉयर और राजनीतिक से हम बहुत नफरत करते हैं, पता है उसमें एक तरफा बात किया जाता है, अगर तो खून करके हमारे पास आता तो हम पहले बोलते हैं जाते कानून, इसको इसको अरेस्ट किया सर, यही खून किया है, पकड़े धरी इसको, बदतमीज है यार, हमसे आया था बोलता है सर मेरा केस देख लीजिए, गलत की सही? सही है सर। लॉ में क्या होता है, लॉ का एक डिमेरिट है, लॉ का और राजनीति का क्या है ना, आप जिस पार्टी में उसी पार्टी का गुणगान कीजिए, आप एक तरफा हो जाते हैं, आपका फ्री कंसेंट खत्म हो जाता है। कांग्रेस ज्वाइन किया तो कांग्रेस अच्छा, सब कांग्रेस का अच्छा, सोनिया गांधी ऐसे तैयार होकर वहां गई थी और ऐसे हुई थी, नहीं ऐसे कूदी थी और फांदी थी, जहाँ अपोजिट में गई थी यहाँ गिरी थी, यहाँ टंगड़ी टूटा था, वहां मुंडी गिरा था, यहाँ पर तैयार होकर नहीं गई थी, गलत की सही? यही राजनीति, गलत की सही? सही है। मतलब जो हम आजादी आजाद की तरह बात करते हैं ना, तो लॉयर बनते हैं और अगर पॉलिटिक्स में जाते ना तो ये चीज खो देंगे, हम सच बात नहीं कर पाएंगे, उसमें एक तरफा बात हो जाता है। लॉयर बनने के बाद क्या होता है, आपका क्लाइंट मर्डर करके आया है तो आपको उसको झूठ भरना पड़ेगा, तो आप क्या लगता है हम सही रह पाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, गलत की सही? नहीं। अच्छा लॉयर वही है जो कि क्या बोलता है, वो गलत को भी सही प्रूफ कर दे और सही को भी गलत प्रूफ कर दे, गलत। हम जो टीचर हैं, हम सही को सही प्रूफ करते हैं और गलत को गलत, गलत की सही? ये सर एकदम लॉयर बनना कैंसर, गलत की सही? कानून अंधा होता है, हम अंधा का साथ क्यों दें, टीचर अंधा नहीं होता है क्या? हमारे बात से कितने लोग सहमत है, जिनके पापा लॉयर होंगे वो तो सहमत नहीं होंगे, गलत की सही? सही है सर, एकदम सही। लॉयर बनना कैंसिल पक्का, और एक्टर भी बनेंगे नहीं क्योंकि एक्टिंग तो साला पूरा बिहार कर रहा है। यस सर, तुरंत चेहरा बदल लेता है, नहीं छोटा यहाँ का भिकमंगा भी एक्टिंग है, देखिएगा महावीर मंदिर से उतर कहीं से उतरिएगा श्यामा मंदिर या कहीं मनोकामना मंदिर से देखिएगा, तीन चार को बच्चा मान ली खाली इसको नहीं देखे, देखिए तो दो रूप दिखा दे दीजिए तो एक आप दे दीजिएगा, अगर देख लीजिए पहला रूप ऐसा दिख रहा है एकदम भिकमंगा का रूप दिख रहा है, अच्छा ये लोग को टाइम पता नहीं था, ये लोग 10 बजे आया है, समझे? ध्यान दीजिएगा, एक छोटा बच्चा भी जो दरभंगा का भिकमंगा है वो भी एक्टर है, कैसे देखिएगा, जब आप कभी देखिए मनोकामना मंदिर गए हैं या श्यामा मंदिर? यस सर, यस सर। ये तो उतरिएगा, दो तीन तो बच्चा आपके पास आएगा, हाथ में जब मिठाई का डब्बा देखिएगा ना, दो तीन लड्डू का डब्बा, तो ऐसा करके आया गई थी मैं बच्चों को दे दी, देखिए क्या लग रहा है, तो भिकमंगा है। अब यहाँ से उसका दो रोल खुलता है, अगर आप लड्डू दे दीजिए तो उसको आपको एक हंसता खेलता बच्चा नजर आएगा, लड्डू ले लेगा और कहीं पर कित-कित खेल रहा है, छोड़ करके आया जाए कित-कित खेल रहा है। दूसरा रूप आया बच्चा का, अगर नहीं दीजिएगा तो गुंडा कर हल्का एकदम कैसे समझ आ रहा है, गरी आएगा आपको, नहीं दीजिए तो देखिए तुरंत में तीन रूप आया तुरंत भिकमंगा, लड्डू दिए तो बच्चा बन गया और लड्डू नहीं दिए तो, गलत की सही? Yes, sir. एक्टिंग तो भी करता है, इसीलिए एक्टर भी कैंसिल, गलत कैसे? टीचर सबसे अच्छा है, नहीं इसलिए पढ़ लीजिए, स्टूडेंट बनिए, मुझे टीचर रहने दीजिए, ठीक? कॉन्ट्रैक्ट का क्लास है, चलो हम लॉजिकली बात करते हैं, गलत नहीं, हम जो बात बोल रहे हैं लॉजिकली बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह का होता है, बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट निम्नलिखित टाइप्स के होते हैं। पहला वाइट कॉन्ट्रैक्ट, वाइट का मतलब हम कल समझा दिए थे, वाइट का मतलब क्या होता है बताइए श्रेया, वाइट का मतलब क्या होता है? आवाज नहीं आ रहा है सुबी, आप बताइए।
गलती अमान्य मींस मतलब सर जो बोल सकते हैं जिसमें लीगली एक्सेप्टेड ना हो। हाँ लीगली एक्सेप्टेड ना हो, व्यर्थ हो, बेकार। यस सर, सबसे अच्छा लैंग्वेज यूज बेकार, नहीं काम का नहीं हो। वाइड मतलब काम का नहीं, बहुत सारा वर्ड यूज कर सकते हैं। तो वाइड, तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, व्यर्थ, कोई काम का ही नहीं है। तो ऐसा तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा मतलब कि व्यर्थ होगा, जिसमें सारे 9 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशंस फेल होगा तो क्या हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा। और जिसका जिसको हम लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते, पक्का बोलता है लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये तो क्लियर है, यदि कोई एग्रीमेंट लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल अगर नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइड होता है। तो क्यों लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी हुई होगी, गलत की सही। कोई अगर आपसे कोई आदमी आपको सामान खरीदे उससे और उसको पैसा दे रहे हैं, अगर पैसा अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो बोलता है पैसा वाइड है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पैसे में कमी है। या तो वो 1000 का नोट दे रहे हैं जो बंद हो चुका है, पक्का, या तो इस पे कलर लगा हुआ है, या तो उसका पिन निकला हुआ है, या तो कहीं से फटा हुआ है, गलत की सही। कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा जो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, गलत की सही। कोई भी कारण हो सकता है, ये कोई भी कारण हो सकता है, इसी कारण लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं हो रहा है। मतलब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वाइड होगा। और वाइड क्यों होगा, क्योंकि कोई भी कारण हो सकता है जो हमने पहले क्वेश्चन में बताया, गलत की सही। फिर बोलता है ये सभी एग्रीमेंट लॉ द्वारा वाइड माना गया है। कौन कौन सा, जैसे बेटिंग एग्रीमेंट, कल बताए थे ना हम लोग, अगर बेटी का मतलब क्या, सट्टेबाजी जो करते हैं, जुआ हुआ से करते हैं, बेट लगाते नहीं है, बोलता है बेट लगाओ मतलब शर्त लगाना। मैरिज डिस्पोजल एग्रीमेंट, बिजनेस डिस्पोजल एग्रीमेंट, ऊपर दिए गए एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, पक्का। मतलब क्लियरली ये सब अगर कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो सब कॉन्ट्रैक्ट किस तरह है, शुरू से ही वाइड है, याद है बताए थे, ये शुरू से ही वाइड रहता है, इसको आप कभी भी वाइडेबल नहीं बना सकते। वाइडेबल को कौन एक्सेप्ट करे, कौन बताएगा वाइडेबल, एक वर्ड बताया थे, जो एक के लिए सही है और दूसरे के लिए गलत। बिल्कुल सही, एक के लिए सही है दूसरे के लिए गलत, लेकिन वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले से ही गलत रहता है, शुरू से ही गलत रहता है, वो किसी के लिए नहीं, कोई उसको मतलब वाइडेबल नहीं कर सकता, मतलब कोई भी इसको अप्लाई नहीं कर सकता, शुरू से ही वाइड रहता है, जिसका जुआ लगाने का, शादी तोड़ने का, बिजनेस तोड़ने का, गलत की सही। अब ऐसा नहीं माँ बाप पे केस कर दीजिएगा, शादी करने चले जाइएगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और माँ बाप पे केस कर दीजिएगा और जाके बोलिएगा, ऐसा होता है पता है कि नहीं, माँ बाप अरेस्ट हो जाता है अगर लड़का लड़की अगर माइनर नहीं है तो, क्या हो सकता है वो शादी कर सकता है, अगर माँ बाप रुकता है तो माँ बाप को जेल हो जाएगा, पता है कि नहीं, वो किस में आता है, यही एग्रीमेंट में आता है, मैरिज डिस्पोजल एग्रीमेंट। तो कहावत बना है मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, समझ में आ रहा है, मतलब एक्ट में लिखा हुआ है लड़का लड़की अगर राजी है और वो माइनर नहीं है तो अपनी स्वेच्छा से शादी कर सकता है, कोई कोई कंडीशन नहीं, गलत की सही। तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट समझ गए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ द्वारा इनफोर्सेबल नहीं है वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट में जैसे हो गया आपको जुआ, शर्त लगाने का कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस तोड़ने का, शादी तोड़ने का, कानून में बाधा डालने का कॉन्ट्रैक्ट, मर्डर करने का, इलीगल, सब सब क्या होता है, सब वाइड होता है। छोटा छोटा बताया गया ना, पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा लिख सकते हैं आप लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। देखिए कल जो बता दिए थे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सब बता चुके हैं, यहाँ पर क्या है लाइन में लिखा हुआ है, कोई एग्रीमेंट जो कि उनके पार्टीज में से एक या अधिक की इच्छा या ऑप्शन पर इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब एक चाहता है इन्फोर्स नहीं करा सकता है, दूसरा इन्फोर्स करा सकता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इन शॉर्ट वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्टी अपनी इच्छा से उसे एक्सेप्ट या रिफ्यूज कर सकता है, मतलब एक पार्टी, दो पार्टी है, ए पार्टी और बी पार्टी, एक एक कुछ भी नहीं कर सकता लेकिन बी के पास दोनों ऑप्शन है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, नहीं, यदि कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी की कंसेंट्स, कोरिजन बोलता है, कोरिजन का मतलब क्या बोलता है ना, उत्पीड़न, हिंदी में हम लोग बोलते हैं उत्पीड़न, नहीं बोलता है हाथ मरोड़ के हम साइन करवा लिए गर्दन रखे, उसको बोलता है कोरिजन। फ्रॉड या फॉल्स मैटर का यूज करते हुए प्राप्त की गई हो तो ऐसे पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल करा सकता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत वचन पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। जब ने एग्जांपल नहीं दिया, कार मेरा वो रिवॉल्वर रख के 3 लाख का कार क्या कर दिया, वो कितने में लिखवा लिया, 30,000 में लिखवा लिया, तो हम चाहेंगे तो सामने वाला को नहीं बेच सकते, लेकिन अगर हम चाहें तो बेच भी सकते हैं लेकिन सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, एग्जांपल दिए थे ना कल। हाँ यस सर, एग्जांपल और बताइए, कल क्या एग्जांपल दिए थे इसका, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एग्जांपल और दीजिए।
नशे में सर किसी का जमीन या कुछ लिखा लेता है, फिर वो चाहे तो उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। बिल्कुल, सामने वाला 1 करोड़ का जमीन हमको 100 रुपया में, 1 लाख रुपया में लिखवा लिया, तो जो जमीन बेच रहा है वो बेच सकता है, बोलेगा नहीं ठीक है हम उस आवास में लिखे थे, हम 1 लाख बेच देंगे, गलत की सही? यस सर। पक्का कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। वाइडेबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, समझ में आ गया? यस सर। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? डॉली आप बताइए, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? डॉली आज का टाइमिंग 9:30 से था, डॉली आप कितने बजे आए थे? आप 10 बजे का था, हम लोगों के माइंड में वही था कि 10 बजे से क्लास। लास्ट में बोलता सब ध्यान पे चढ़ा ही नहीं, तब समझ में आता, गलत की सही? सॉरी सर। लॉयर बन के थोड़ा सा बात करते तब मजा आएगा, नहीं? चलिए देख, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा तो मजा तो इतना आता ना, गलत की स्पेस? सॉरी नहीं बोलता। चलिए तो हम लोग क्या बता रहे थे अभी, हम लोग इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें से कौन डिफाइन करेंगे पहले, एक मुंह खोलिए हम समझ जाएंगे, खाली कोई मुंह खोलिए हम समझ जाएंगे जल्दी। हाँ ठीक श्रेया, चलिए यहाँ से दिख जाता है, मुंह खोलते यहाँ से दिख जाता है, बताइए श्रेया। हम वीडियो ऑफ किए हैं सर। वीडियो नहीं है, अब ऑडियो ऑन कीजिएगा। वीडियो ऑन कर दिए हैं क्या आप? नहीं ऑफ है। ऑडियो ऑन करते हैं, दिखता है यहाँ पे मोबाइल पे, दिखता है, देखिए आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ना, जो भी सब दिख रहे हैं यहाँ पे, समझे? आपका मुंह खुला हुआ दिख रहा है? हाँ, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो सर कानून के नजर में जो मतलब कानून के नजर में वो एक्सेप्ट ही ना हो, वही हुआ इलीगल, वो जो दहेज वाला एग्जांपल था। बिल्कुल, एक्सेप्ट नहीं हो, एक्सेप्ट करना अलग बात है, एक इलीगल अलग होता है, इलीगल और एक्सेप्ट अलग चीज होता है। सर सही ना हो कानून के नजर में। सामने वाला हमसे चीनी मांगने के लिए आया, बोला कि सुनिए ना घर में गेस्ट आया हुआ है, थोड़ा सा धूप हुआ चीनी दीजिए ना, थोड़ा सा कल लौटा देंगे, तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ये इलीगल थोड़ी हो गया कि सर हमसे चीनी मांगने आया था, अंदर कीजिए। सर जो कानून के नजर में इनफोर्स ना, हाँ कानून उसको गलत समझता हो, इलीगल हो, जैसे मर्डर करना, खून खराबा करना, शादी तोड़ना, रॉबरी, दहेज लेना देना, ये सब क्या कानून के नजर में गलत है, तो अगर ये सब कॉन्ट्रैक्ट हम कर लेते हैं तो ये सब क्या है, किस तरह कॉन्ट्रैक्ट है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। एकदम सही। तो अगर उसका जो मेरा जो कंसिडरेशन है, मतलब जो बीच में हम जो मेरा मुद्दा है, वो मुद्दा अगर इलीगल है नहीं, तो ये क्या हो गया, ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी जैसे हम किसी को बोले कि हमको कल दारू, कल शादी है, शादी में हमको 1 कार्टून दारू सप्लाई कर देना, सामने वाला ने एक्सेप्ट कर लिया क्या, और शादी के दिन वो दारू नहीं पहुंचाया, अमन आया बोला सर क्या सर व्यवस्था रखे नहीं है, तो क्या अमन हमको बेइज्जत किया और हम दारू वाले को पकड़े, बोले ठीक है केस करते हैं, नहीं समझे? Yes. क्या करे, थाना में जाके बोलेंगे सर देखिए बोला था कि दारू सप्लाई करेंगे और दारू सप्लाई नहीं किया सर, इसको अरेस्ट कीजिए, तो क्या करेगा थाना? आप दोनों को अरेस्ट करेगा, हम लोग को अरेस्ट कर देगा क्या? अमन गलत है सही? अमन सही है ना, इलीगल आप कुछ कर सकते हैं ना, अमन कुछ कर सकता है ना, दारू वाला कुछ कर सकता है, क्या हो गया फिर से बोलिए? ऐसा केस में ना आप कुछ कर सकते हैं ना अमन, ना कुछ दारू वाला कुछ कर सकता है, हम कैसे नहीं कुछ कर सकते, हम गिरिडा नहीं सकते, माफ कर दियो, हम कैसे कुछ नहीं कर सकते, हम क्या बात करते हैं, नहीं कर सकते हम, गिरिडा नहीं सकते हैं, हम पुलिस वाले के पास हम जा नहीं सकते ना, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बस आप पकड़ के उसे मारिएगा और क्या करिएगा, हम आपको बताते हैं, आप गलत बोल रहे हैं, पुलिस हम कैसे कुछ नहीं कर सकते, सबसे पहला बात गिरिडा सकते हैं, लेकिन गिरिडा नहीं सकते, आप ही बोले थे आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप ही के तो हाथ में है, क्योंकि आप ना हेड मालिक हुए सर, दूसरा नहीं है, इसका क्वेश्चन अलग है, पुलिस के सामने हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम बताते हैं, हम एक फिल्म देख रहे थे परसों, शाहरुख खान का एक पुराना मूवी है,
इसमें माधुरी दीक्षित है कुछ तो, मतलब फिल्म का नाम था, उसमें शाहरुख खान बहुत रईस रहता है, बहुत रईस, पुलिस वाले को खरीद अच्छा, हम तुम्हारे हैं सना। नहीं, एक ही वर्ड का है, छोटा सा वर्ड, एक ही वर्ड है उसमें। देखिए कितना अच्छा बात बताया है, बहुत बड़ा रईस ज्यादा रहता है, तो क्या बोलता है पता है, वो पूरा गलती करता है। सलमान खान कैसे है, किसी को एक्सीडेंट कर देता है लेकिन आज भी रिहा है, तो उसके बाहर में पुलिस वाला आता है और पुलिस वाला के पैसा इतना नोट फेंकता है ऐसे करके। उसकी माँ बोलती है बेटा तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करना। बोलता है मम्मी जिसके पास जो रहता है ना वही यूज करता है, अब देखो इस वर्दी वाले के पास वर्दी है, यूरोप दिखाने आता है बात बात पे, समझ में आ रहा है, इसको वर्दी का गर्मी है और हम भी इसको शांत करते हैं पैसा फेंक के, मेरे पास पैसे का ताकत है, हम मेरे पास समझ, आदमी के पास जो रहता है उसी का यूज करता है, गलत की सही। बहुत अच्छा बात बोला, नोटिस कीजिएगा ना तो हिल जाइएगा, साला क्या बात बोला, और एकदम बात में दम है, हम गारंटी बोलते थाना पे मर्डर करके भी जाइए, सामने वाला खाली 5 लाख रुपया दे दीजिए दरोगा को, आप फ्री है, आप गारंटी बोलते, आजकल इसीलिए ना मर्डर लोग घूम रहा है, मर्डर लोग क्यों घूम रहा है, गलत की सही। यस सर, फिल्म में खुलेआम दिखा रहा है कैसा हो रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हकीकत है। तो शाहरुख खान बड़ा अच्छा आंसर दिया, मतलब हम एकदम इंप्रेस हो गए, क्या जवाब दिया है, मम्मी जिसके पास जो चीज रहता है लोग उसी को इस्तेमाल करता है, और सामने से बोलता है देखो इस वर्दी वाले के पास वर्दी है, इसका ताव दिखा रहा है, तभी तो हमारे घर में घुस गया, नहीं तो किसी की औकात नहीं थी कि हमारे घर में घुसता, गलत की सही। यस सर, बहुत बड़ा रही ज्यादा रहता है एकदम, मतलब कि खाली एक, एक, एक प्यार में पूरा है, मतलब क्या बोलता है एयरपोर्ट स्टार्ट कर देता है, सोच लीजिए कितना बड़ा रही जाता हो, उसके हस्बैंड को उसका जनरल मैनेजर बना देता है, तो वही बोलता है इसका औकात अपना दिखाया, हम अपना औकात दिखा रहे, इसे पैसा फेंकता है, बोलता है मम्मी सामने में मेरे पास पैसे का पावर है, पैसा का औकात दिखाएं, जैसे ही अपना औकात दिखा के अंदर घुस गया, पैसे का औकात दिखाया इसको बाहर करेंगे, तो कर कैसे नहीं सकते हैं, किसका है क्वेश्चन था ये सर, मेरा। कौन? रोशन। कर सकते हैं कुछ, क्या लग रहा है अभी? अभी लेकिन हम कानून का पढ़ाई कर रहे हैं और ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक बात हो रहा है, इसका टॉपिक से बात करेंगे, नहीं समझ, एक्स्ट्रा लेक्चर में पढ़ाएंगे ये सब चीज, अभी कानून का बात कर रहे हैं, अभी डराइए मत हमको सही, ये आउट ऑफ सिलेबस है, हम सिलेबस में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सुभी गलत है कि नहीं, टॉपिक गलत है ना, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, नंबर 3 ना मिलेगा, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जो शाहरुख खान का जो बताया हम लोग, बोले हर एक जगह सीखने का चीज होता है, गलत के सही? सही है सर। बहुत अच्छा चीज है, हमको बहुत अच्छा लगा, उसका जो वर्डिंग्स यूज किया था ना और जो उसका एक्टिंग था बड़ा तगड़ा लगा, और लगा कि सच में ये पावरफुल बात कर रहा है, सही बात कर रहा है, अगर पैसा है आपके पास तो सब कुछ है, मतलब बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं बोल सकते, बहुत कुछ है। चलिए तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलता है, इलीगल का तात्पर्य लॉ के अगेंस्ट होने से है, मतलब कानून जिसका विरोध करता है, जैसे दहेज लेना, दारू बेचना, मर्डर करना, नहीं समझ सब क्या है, सब इलीगल है। आप जब पढ़िएगा ना तो देखिएगा बहुत तरह का कॉन्ट्रैक्ट है ना एक दूसरे से, मतलब कि अलग एक ही जैसा दिखेगा, जैसे अब पहला वाला जो लिए थे वाइड, तो वाइड इलीगल भी वाइड होगा, जितने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है सारे वाइड है, तो बोलिएगा आप लोग को लगेगा सर ये क्या पढ़ा रहे, सब जगह एक ही बात बोल रहे हैं। जैसे हम आप लोग 11th में जब अकाउंट्स पढ़ाए थे तो बच्चा तो हम पे बच्चा तो गरियाने लगा, हम उसको पढ़ाए एसिड्स क्या होता है, तो एग्जाम्पल दिए क्या एसी, ये समझ में आ रहा है, फिर हम बोले फिक्स एसिड्स क्या होता है, हम उसको क्या एग्जाम्पल दिए एसी, फिर बोले टैंजिबल एसिड्स क्या होता है एसी, नॉन करेंट एसिड्स क्या होता है एसी, बोलता है साला एसी खरीद लिया है, साला दिन भर पढ़ाता है एसी करता रहता है, बड़का बोलता है एसी के पास एसी है, नहीं समझ में आ रहा है आप समझे कि नहीं, बच्चा लास्ट में क्या करता था पक जाता है, साला एसिड पढ़ाया तो बोलता है एसी, फिक्स एसिड पढ़ाया बोलता है एसी, टैंजिबल एसिड तो एसी, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वो एसी नहीं खरीद लिया है, किसी का जपाल कर लिया, एसी एसी करता रहता है, तो क्या आंसर तीनों में सही आ रहा है, एसेट्स में भी एसी आ रहा है, फिक्स्ड में भी एसी आ रहा है, टैंजिबल एसेट्स में भी क्या आ रहा है एसी आ रहा है, गलत की सही? यस सर। लाइव स्टॉक बोलते हैं अगर, सॉरी ये डेड स्टॉक बोलते हैं, डेड स्टॉक में भी क्या आता है एसी, पक्का? उसी प्रकार जितने भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वाइड नहीं होंगे, पक्का? Yes, sir. लेकिन सारे वाइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होंगे, वाइड बहुत कारण से होता है, लेकिन इलीगल ऑलरेडी वाइड होता है, गलत की सही? Yes, sir. इस छोटे छोटे पॉइंट को देखिए, लॉ में क्या होता है ना इसी का झगड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, लॉ में इसी का झगड़ा होता है,
मतलब सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, लेकिन हर एक वाइड वाइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं नहीं है। नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट समझ रहे, इसका एग्जांपल कौन देगा? इसमें एग्जांपल का ही खेला है, अगर एग्जांपल क्लियर हो तो आप बहुत अच्छा लॉ बहुत मजा आएगा। इसका एग्जांपल कौन देंगे? सारे सर, जैसा हाँ आप हवा वाला बताए थे, हवा में जो घर बनाते, ठीक है वो तो है ही, वो वाइड है हाँ। लेकिन इलीगल नहीं है। अगर हम जाके थाना में बोले कि सर हमको बोला था कि हवा में पुल बांध के देंगे और नहीं दिया है, हम कांटेक्ट किए थे, तो थानेदार भी हंसेगा ना, हमको अंदर करेगा ना आपको हंसे, आपको आप पे हंसेगा, क्या दोनों हंसेगा, बोले कहां से आ गया, बाहर करो ये लोग, गलत की सही? सही है सर, वो था वाइट कॉन्ट्रैक्ट, वाइट था लेकिन इलीगल नहीं था। अब दूसरा दहेज वाला के बारे में, दोनों समधनी झगड़ा करते करते समधनी चले गए थाना में, बोले सर ये बोला था दहेज देंगे, बेटी को तो भेज दिया लेकिन दहेज अभी तक नहीं दिया, देखिए सर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए था, तो थानादार क्या करेगा, किसको अंदर करेगा? जो दहेज लेने वाले, अरे लेने वाले को नहीं, दोनों को। सुबी का आंसर सही है, दोनों को। दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है, पता है कि नहीं? दहेज लेना और देना दोनों अपराध है कानून की नजर में। Yes, sir. दोनों को अंदर कर देगा। आपको क्या लगता है, घूस लेना अपराध है क्या? घूस देना भी अपराध है? लेना देना दोनों अपराध है, दोनों अपराध है, घूस लेना भी अपराध है, घूस कानून दोनों को बोला है, आप घूस दे क्यों रहे हैं, आप घूस देना भी अपराध है। तो देखिए तो दोनों का एग्जांपल सब, आप देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया लग रहा है आपको, आपको लग रहा होगा सर हम टाइम बहुत ले, टाइम नहीं ले रहे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में भी डायरेक्ट भी जाएगा तो लिख दीजिएगा, नहीं नंबर तो मिलता है बांट बांट के, नहीं बड़का डब्बू से नंबर बांटता है बिहार में, गलत के सही? किसी को दूर कर सुल्के भी गलती से मिल जाता है, वो भी पता है साला जा बर्बादे होगा इतना, नहीं जो स्थिति है मजाक नहीं बता रहे। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल का तात्पर्य लॉ के अगेंस्ट होने से, मतलब जिसको कानून मना करता है, जब किसी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या फंक्शन लॉ के अगेंस्ट होता है तब उससे उससे फॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए जो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं इलीगल फैक्ट्स को ध्यान पे रख के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार यदि किसी एग्रीमेंट का फंक्शन या ऑब्जेक्ट लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का मतलब क्या, प्रतिबंधित, लॉ उसको मना कर दिया, जैसे शेर मारने का कॉन्ट्रैक्ट, तुम हमको एक शेर मार के लाके देना, तो शेर मारना अपराध है ना, बैन है ना शेर मारना पक्का, या किसी लॉ के उपलब्धों को विफल करने वाला है या फ्रॉड है या किसी अन्य पर्सन के बॉडी या एसेट्स को डैमेज पहुंचाने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में वो सभी एग्रीमेंट क्या होगा, इलीगल होगा, पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? No, चलिए आगे बढ़े, अब बेसिक बेस बन गया है ना, तो आप लोग अब थोड़ा फास्ट हो जाएगा। लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है, इलीगल का जस्ट उल्टा, इलीगल का जस्ट उल्टा, लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ द्वारा निर्धारित सभी कंडीशंस को कंप्लीट करता है, इसको लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं हम। लॉफुल मतलब पूरा लॉ से भरा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ द्वारा निर्धारित सभी कंडीशंस को कंप्लीट करता है लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एक्ट के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी सक्षम होने चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटीज होना चाहिए, बताए थे ना शुरू में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटीज बताए थे, मतलब आदमी एडल्ट होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, क्लियर है? यस सर। पार्टीज में फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट मत समझे आप, वो अपनी इच्छा से अपने होशो आवास में वो एग्रीमेंट साइन किया हो, डरा धमका के लटका के नहीं, गलत की सही होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट किसी विधिपूर्ण फंक्शन, विधिपूर्ण फंक्शन का मतलब क्या होता है, वही मतलब विधि का मतलब क्या, स्टैम्प पेपर पे नहीं, सीरीज वाइज नाम पता के साथ, नाम पता बाप का नाम पता होता सब रहना चाहिए, सिग्नेचर रहना चाहिए, पक्का? खाली कुंदन और रवि के बीच में या कुंदन या दो लोगों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो एग्रीमेंट थोड़ी कहलाएगा, कुंदन बहुत है रवि बहुत है क्या, उसमें कुंदन के पापा का नाम, उसमें उसका उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका पता होना चाहिए, तब ना समझ में आया कौन है। यस सर। वही तो वही बता, विधिपूर्ण फंक्शंस और ऑब्जेक्ट से किया गया होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ द्वारा वाइड या अनाउंस नहीं किया होना चाहिए, मतलब ऑलरेडी वो मतलब वाइड नहीं होना चाहिए। एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी के पक्ष में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता हो जिसके दूसरे पार्टी का पालन करना मैंडेटरी समझा जाए, मतलब कानून का सहारा ले सकते हैं, दूसरा फॉलो कर सकता है, उसको इग्नोर नहीं कर सकता है, गलत की सही? कहने का मतलब वो पहला जो क्वेश्चन था ना, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो क्या एलिमेंट्स होते हैं, जब सारा एलिमेंट पूरा कंप्लीट है तो हम उस एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे, हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट,
लीगल कॉन्ट्रैक्ट या लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट? पक्का? यस सर। कोई दिक्कत? सबको क्लियर समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो क्या बताइए कि हमने जमीन बेचने का एग्रीमेंट किया है, सही है गलत है? सही है सर, जमीन बेचने सही है, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ है, हम फ्री कंसेंट से किए हैं, हम बड़े भी हैं। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। पांच नंबर, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइनफोर्सेबल का नाम से ही लग रहा है, आप लोग का इतना सेंस क्रिएट हो गया, इतना बोल दिया है कि अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें कानून का सहारा नहीं लिया जाए। बिल्कुल। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर अगर हम बोलते हैं एकदम सही, अनइनफोर्सेबल का मतलब जिसमें लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जाए, तो हम बोल सकते हैं हर एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है अनइनफोर्सेबल है, हर एक वाइट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है। गलत की सही? फिर दोनों पॉइंट मिक्स मर्ज हो गया, दोनों मर्ज नहीं हो गया? आपको इसमें जो वर्डिंग्स दिखेगा, ये वर्डिंग दिखेगा इलीगल और वाइट, क्योंकि हम ना इसमें भी कानून का सहारा नहीं ले सकते, इसमें भी कानून का सहारा नहीं ले सकते, इसका मतलब क्या अनइनफोर्सेबल हो गया। गलत की सही? एक कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल होने के बावजूद कोर्ट द्वारा कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स के कारण फोर्स नहीं कराया जा सकता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी सूट फाइल भी नहीं कर सकता। मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, जैसे कोर्ट उसमें सिर्फ सिंपल बोल दिया टेक्निकल फॉल्ट, कहने का मतलब सिंपल बोला गवाह का साइन नहीं है। पक्का समझ पा रहे हैं? या उसमें एक का उम्र 18 वर्ष से कम है, कुछ भी, कोई भी एक डिफॉल्ट निकाल दिया तो हम उसको अनइनफोर्स नहीं करा सकते। जैसे कॉन्ट्रैक्ट का अनरिटेन होना, री इंटर्ड होना, मतलब हम नाम के ऊपर कुंदन लिखे हुए थे, कुंदन के ऊपर हम काट के कुनाल कर दिए हैं, गलत की सही? कानून रिजेक्ट कर सकता है। या डोमेस्टिक या डॉक्यूमेंट्स पर उचित प्राइस से कम का टिकट लगाना, जैसे अभी रेंट एग्रीमेंट जो है उसका मिनिमम 1000 रुपए कर दिया है, आज से कुछ दिन पहले कितने बनता था? 100 रुपए बनता था। पक्का? Yes, हम लोग का भी खर्चा बढ़ गया, तो पहले हम जो एग्रीमेंट बनवाते थे 100 रुपए बनवाते थे, अब जो बनवाते हैं 1000 रुपए। अगर 100 रुपए बनवा देंगे तो क्या हो जाएगा, हम उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। पक्का? कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पर यदि रिलेटेड टिकट नहीं लगा है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अनफोर्सेबल होगा, लेकिन यदि आवश्यक टिकट लगा दिए जाने की परमिशन दी जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाता है। कहने का मतलब इसमें बहुत छोटा लिखा हुआ, बहुत कुछ लिख सकते हैं इसपे। गलत की सही? कोई दिक्कत? किसी भी कारण से अगर हम कानून का सहारा नहीं ले सकते और कानून रिजेक्ट कर देता है तो क्या हो जाएगा, ये चीज इलीगल अनइनफोर्सेबल हो जाएगा। पक्का? चलिए सिक्स नंबर, कॉन्ट्रैक्ट वाइड अब इनिशियो। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वाइड होते हैं तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्टिंग से ही वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जैसे माइनर द्वारा एग्रीमेंट से क्रिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वाइड इनिशियो शुरू से ही खराब, नहीं समझे? वाइड इनिशियो मतलब इनिशियल से ही वो क्या था, वाइड था। जैसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट करवा लिए किसी से मर्डर करने का तो शुरू से ही वाइड था, माइनर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करा लिए तो शुरू से ही वाइड था, दहेज लेने वाला केस शुरू से ही वाइड था। तो सब इंटर मतलब एक्सचेंजेबल है, समझ रहे हैं आप? वही चीज घूम रहा है, समझ रहे हैं? उसका अलग अलग नाम दे रहे हैं। क्या एक ही लड़का है, कोई कितना कर जाता है? गलत की सही? कोई दूसरा गाली देता है, कोई दूसरा गाली देता है, कोई दूसरा गाली देता है, कोई दूसरा गाली, कोई दूसरा गाली। गलत की सही? सही। एक लेडीज है, ये आपकी मम्मी है, पापा के लिए पत्नी है, नहीं यस सर, आपके अंकल के लिए भाभी है, आपके बाप की दादी के लिए बहू है, मम्मी के लिए माँ है, मतलब सब अलग अलग है ना सब कुछ। गलत की सही? वही चीज घूम रहा है। इसी चीज को हम अगर सराउंडिंग से बात करेंगे तो रिश्ता बता रहे हैं, ये इसका ये रिश्ता है, इसका ये रिश्ता है, बस वो घूम रहा है वही चीज। पक्का? तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड अब इनिशियो का मतलब क्या, शुरू से ही वाइड कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाइड इनिशियो, शुरू से ही वो क्या था, वाइड था। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो शुरू से ही वाइड होते हैं, इसमें आप इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। आप सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाइड अब इनिशियो होते हैं। गलत की सही? मर्डर करने है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, तो उसका एग्जांपल यहाँ भी लिख सकते हैं आप, नहीं लिख सकते? शर्त लगाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिए शुरू से ही, वो भी खराब है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस रिटेन या ओरल शब्दों में एक्सप्रेस्ड हो तो उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इस प्रकार जब ए बी को अपनी कार 50,000 में सेल का प्रपोजल लेटर द्वारा करता है और उसके आंसर में बी ए के प्रोपोजल को एक्सेप्ट करता है तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ये वर्ड आप सुने होंगे, आप जब पार्टनरशिप 12th में पढ़े थे, पार्टनरशिप डीड, याद आ रहा है?
एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट हम बार बार रिवर्ड को यूज करते हैं, तो वहां भी एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एग्जाम्पल दीजिए इसका प्रीति, क्या होता था एक्सप्रेस एग्रीमेंट? पार्टनर्स के बीच कुछ एक्सप्रेस एग्रीमेंट होते थे क्या? यस सर। किसी को याद आ रहा है? प्रिंस याद आ रहा है? किशोर क्या होता था एक्सप्रेस एग्रीमेंट? सर जैसे कि कोई पार्टनर था वो बोल दिया कि ये चीज तुम ही रख लेना, जैसे काम पार्टनरशिप खत्म होने के बाद। नहीं कुछ चीज ऐसे होती है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, लोन 6% से दिया जाएगा। पक्का आप समझ रहे हैं? आप सैलरी सैलरी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? तो हम लोग बोले थे कि सैलरी नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वली होगा, पक्का। लेकिन हम लोग बोलते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देते थे? जब प्रॉफिट होता था। अगर लॉस होता था तो क्या करते थे? एग्रीमेंट में लिखा हुआ है लेकिन नहीं देते थे। लेकिन कभी कभी उसमें लाइन लिखा होता था इन द केस ऑफ लॉस, इन द केस ऑफ लॉस मतलब केस के लॉस में, इवन इन द केस ऑफ लॉस पार्टनर्स will be given salary of rupees 20,000 per month. ऐसे normally क्या होता है, salary कब मिलता था? जब profit होता था तब। लेकिन हमने क्या example में, हमने contract में क्या लिखा लिया अपने agreement में, even in the case of loss partners will be given a salary of 20,000 per month. गलत की सही? 20,000. तो ये इसको बोलते हैं express agreement. normally case में क्या होता है, salary तभी देंगे जब profit होगा, लेकिन हमने उससे लिखवा लिया इवन इन द केस ऑफ लॉस, क्योंकि सैलरी हम पॉइंट को बहुत बार अच्छे से डिस्कस किए, दो तीन बार डिस्कस किए थे, कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग। याद आ रहा है अमन? प्रिंस यस सर। याद आ रहा है आप लोग को? हम जोर दे के बोले थे, वर्डिंग्स को समझिए, हम लोग सैलरी अगर बोल दिए 20,000 का महीना देंगे तो पहले बोले बोल दिए, लेकिन एक हिडन कंडीशन होता है कि कब देंगे सैलरी, जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट सैलरी नहीं मिलेगा। यस सर। इससे बचने के लिए हम क्या करते थे, हम एक्सप्रेस एग्रीमेंट करते थे, हमको पता है कि ये सैलरी तो लिखवा लिया है लेकिन सैलरी हमको कब मिलेगा, जब प्रॉफिट होगा तब। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या करेगा, ये मुकर जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, आपको कभी तभी मिलेगा सैलरी जब प्रॉफिट होगा। बाय डिफॉल्ट लिखा नहीं होता, ये छुपा होता है, इम्प्लाइड होता है, इम्प्लाइड एक इम्प्लाइड वर्ड आएगा मतलब छुपा होता है। तो हम लोग क्या करते, इसे बचने के लिए एग्रीमेंट में हम एक वर्ड लगा देते थे एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इवन इन द केस ऑफ लॉस, लॉस होगा फिर भी हम सैलरी लेंगे। अब वो ना नहीं कर सकता है, अब लॉस हुआ फिर भी हम बिजनेस से क्या करेंगे, 20,000 रुपए सैलरी निकाल लेंगे, पक्का। इसको बोलते थे एक्सप्रेस एग्रीमेंट, मतलब अपनी कार को 50,000, 5 लाख का कार है लेकिन हमने क्या किया, एग्रीमेंट लिख दिया कि हम 50,000 में ही कार बेच देंगे, तो एक्सप्रेस कर दिए हमने, एकदम डिटेल में एकदम क्लियर कर दिया, नहीं समझे? लोग बोलेगा 50,000 में, 5 लाख का कर 50,000 में, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, हमने एक्सप्रेस एग्रीमेंट मतलब हमने जोर देके बोला है, यहाँ ए ने अपनी कार को 50,000 में सेल का प्रपोजल लेटर द्वारा कर दिया, हमने बोल दिया भाई 50,000 में दे देंगे, तो एकदम एक्सप्रेस हो गया ना, मतलब कहीं कंफ्यूजन नहीं है कि 5 लाख का है वो चीज, हम जमीन को हम 10 रुपया में रजिस्ट्री कर दी, एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो गया। आप समझे? आप कोई गलत नहीं है, लिखा हुआ है भाई, सब कुछ ठीक है। हम अपने होशो आवास में कॉन्टेक्ट, कभी कभी आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, मान लीजिए हमको कल हमको मुंबई से बहुत बड़ा ऑफर आ गया, हम हो सकता है सीए गुरुकुल हम बेचना चाह रहे हैं, अभी बेचेंगे तो हमको तो 4 लाख रुपया मिल जाएगा, नो डाउट। लेकिन हम कल हमको मान लीजिए हमको सीए ग्रुप कल हमको मुंबई से ऑफर आ गया, बोला कल के कल ज्वाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, आज क्या सीए गुरुकुल बेच देंगे? Yes, तो कितना है बेचेंगे, 10,000 मिल जाएगा बेच देंगे, क्योंकि हमको इसी वक्त बर्बादी करके जाएंगे। गलत की सही? सही है। अब जैसे मान लीजिए हम बोकारो में लकवा कबूतर पाले हुए, लकवा कबूतर आता है इसे पूछ होता है, बहुत महंगा होता है, उस समय में हम उसको 600 रुपया जुड़ा में खरीदे थे, अपना सोच लीजिए इतना शौकीन थे हम पशु पक्षी के, तो 600 रुपया में हम खरीदे थे एक जुड़ा,
और बाद में हमारे यहाँ बहुत अच्छा खासा बच्चा उच्चा दिया तो अच्छा खासा हो गया, लेकिन हम जब पुकारो छोड़ने लगे ना तो ऐसे वो बेचते तो 600 में बेचते, लेकिन जब छोड़ने लगे तो क्या लगा, स्टूडेंट लाइफ ही तो था, 10th में तो थे, तो छोड़ने लगे तो क्या करेंगे हम, लकवा कबूतर कोई हमको बोलेगा नहीं नहीं 400-500 नहीं, उस समय कोई बोलेगा मेरे 50 रुपये, हम क्या बोलेंगे, कल मेरा ट्रेन है क्या करेंगे, 50 रुपया बहुत हो गया, 2-50 रुपया लास्ट में। देखिए गुदरी में क्या होता है ना, हमारे अंकल है गणेश अंकल, वो क्या करते हैं ना, वो शाम में 7 बजे यहाँ पे बोलते हैं, सिखाते हैं 7 बजे, तुम 7 से 8 बजे आया करके ट्रेन का टाइम होता है ना, उससे 15 मिनट पहले जाओ सब्जी वाली के पास, वो लोग ना बंद करके जाते रहती है, फिर तक खराब हो जाएगा, तो एकदम सस्ता रेट में सब्जी देती है, क्योंकि लास्ट रेट होता है ना, उसको लगता है ले जाएंगे तो खराब हो जाएगा, ढो के ले जाना है प्लस सूख जाएगा, साग है सब कच्चा सामान है, उसको जितना सस्ता बोलेगा ना वो दे देती है क्वांटिटीज में, होटल है ना, तो क्या है, तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट है भाई, हम जिद नहीं किए हैं, वो फ्री कंसेंट है, सस्ता में मिल रहा है, ये ऑप्शन है, हमने अपना 5 लाख का 50,000 में रिटेन में दे दिया है, तो कहने का मतलब कोई गलत नहीं है यहाँ पे, क्यों हमने रिटेन में दिया, एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, मतलब हमने जोर दे करके बोला है नहीं 50,000 में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन ये क्या है, एक्सप्रेस है, समझ रहे हैं आप, जैसे कि पार्टनरशिप में लॉस हुआ लेकिन फिर भी हम 20,000 रुपये सैलरी निकाल लिए, तो अरे क्या लोग बोला, अरे अरे भाई एक्सप्रेस है, मतलब जब जोर दिया हुआ इस बात पे, लॉस के केस में भी हम निकालेंगे, गलत की सही, यस सर, समझ रहे हैं आप कॉन्सेप्ट में, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यस सर समझ गया, सुनिए तो 7:10:28 हो गया है, पार्ट थर्ड का टाइमिंग हो गया है, तब हम लोग कल मिलते हैं, कल जो खत्म करके रिवीजन करवा देंगे, एक बार एक दो पॉइंट और बचा हुआ है, कोई दिक्कत, नो सर, नो सर, तब चाहते तो खत्म कर लेते, लेकिन थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं, बैच बना रहे हैं, ज्यादा खत्म हो जाएगा तो लोग फ्रस्ट्रेट से भी ज्वाइन नहीं करता, बोलता सिलेबस बहुत आगे भाग गया, ठीक है, तो एंजॉय कीजिए, फास्ट कर, 2 दिन बोले थे ना क्वेश्चन करवाएंगे तो खत्म हो जाएगा ना, कल खत्म तो हो गया, बचा कहाँ, थोड़ा सा बचा है, तो कल बताते हैं, ठीक है, बाय सबको, बाय, और वीडियो कल का वीडियो, कल तक का वीडियो आज रात में मिल जाएगा, और ये वीडियो